वेलकम टू एस्टडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम साधारण ब्याज का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 3 तक इस चैनल पर डाल रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, पहले उसको वॉच करिएगा, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स अगर आपको कभी कभार क्या रहता है कि कभी दो समय दे दिया जाता है और दो अमाउंट दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए आपके ब्लैक बोर्ड पर आ गया है, इसको सॉल्व करिए, बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है। ठीक है, कौन सी धनराशि, यानी आपको ये पता हो गया होगा कौन सी धनराशि पूछ रहा है, यानी आपको मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको दिया क्या है देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, 5 वर्षों में कितना, 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 520 रुपये। उसके बाद 7 वर्षों में 568 रुपये, यही हो जा रहा है ना, 520 रुपये और 568 रुपये हो जा रहा है। अब देखिएगा फ्रेंड्स ये क्या होगा, हो जा रहा है तो ये मतलब ये क्या है आपका अमाउंट है, ये भी क्या है आपका अमाउंट है, ये तो आपका वर्ष है, ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए इनके बीच क्या कितने का डिफरेंस है, 48 का, कितने का 48 का, और यहाँ पर देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, कितने का 2 का डिफरेंस है, यानी 2 ईयर्स का यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है कितना दिया है 48। उसके बाद यहाँ से एक ईयर का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 48 बटे में क्या हो जाएगा 2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 × 4 = 8, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से 24 आ गई। उसके बाद ये जो हमारी वैल्यू आई है 24, इसको हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इंटरेस्ट। तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 5 में 24 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 में हम 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 5 × 4 = 20, तो यहाँ पे 20 का 0 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 × 2 क्या हो जाएगा 12, यानी आपका इंटरेस्ट आ गया 120 रुपया, और ये हमारा अमाउंट है। अगर हम इंटरेस्ट में से अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है बताइए, अमाउंट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर हम जैसे यहाँ से इंटरेस्ट को अमाउंट में से माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है। तो सेम कंडीशन यही करना है हमें, अमाउंट आपका 520 रुपये दिया है, उसके बाद माइनस हमें 120 को माइनस कर देना है तो हमें प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देखिए 520 में से 120 को माइनस करेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा, 400 रुपये जो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाएगा, तो इतना रुपया हमारा होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है यही पूछा है। तो देखिएगा उस क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। तब तक आप लोग सॉल्व करिए, हमने पढ़ दिया है। देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से, 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 वर्षों में 720, ठीक है ये आपको क्लियर है। उसके बाद देखिए 5 और अधिक, यानी 5 और अधिक वर्षों में कितना हो जाएगा 1020 रुपये, ठीक है ये कह रहे हैं 5 और अधिक, तो इसमें क्या होगा और अधिक, यानी 2 वर्ष के बाद 5 वर्ष, तो इसमें और हम क्या करेंगे 2 काउंट कर देंगे तभी तो होगा 5 और अधिक, तो यानी ये टोटल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 ईयर, कितना हो जाएगा 7 ईयर, जिसकी वैल्यू 1020
₹20 दिया है। ये क्या दिया है हमारा, आपको पता है अमाउंट दिया है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 और 7 का डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे देखिएगा तो 720 और 1020 है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 300 का, ठीक है। अब देखिए 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 300 दी है, कितनी दी है 300। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 300 बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। आप 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 × 30 यानी 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से कितना, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि इसका अमाउंट क्या होगा यही बताइए, तो अगर ये हमारा 1 की वैल्यू 60 आ गई है तो अब 60 को क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 में चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 को, तो हो जाएगा हमारा कितना, 6 × 12 यानी 120 आपका हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब ये अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है, तो हमें क्या करेंगे, अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल पता चल जाएगा। अब देखिए 720 में से 120 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600, यही हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। कैसे देखिएगा, यहाँ पे अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू दी है तो इसको इधर लाएंगे, तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, माइनस इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल। आपका अमाउंट कितना है देखिए 720 माइनस 120 आपका इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो 720 में से 120 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 600 रुपये, जो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, देखिएगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 रुपये तथा 3.5 वर्षों में 969 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आपको प्रिंसिपल पूछ रहा था अलग टाइप के क्वेश्चन देकर, अब आपसे पूछ रहा है दर पूछ रहा है यानी रेट पूछ रहा है क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सिंपली हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। अब देखिएगा 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 वर्षों में आपका हो जा रहा है, 2 वर्षों में 2 ईयर्स में ये हो जा रहा है आपका 918, कितना 918। उसके बाद देखिएगा 3.5 पर ईयर में कितना हो जाएगा, 969 हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा यानी 969 हो जाएगा, ठीक है रुपए ये हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं ये हमारा अमाउंट है और ये भी क्या है, अमाउंट है। अब देखिए इनका बीच का डिफरेंस कितने का है, 1.5 का है, और यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर देखते हैं कैसे, देखिएगा अब 969918 में से माइनस करेंगे तो देखिएगा कैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है 1 आएगा। उसके बाद देखिएगा 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, यानी इनका डिफरेंस 51 का आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 1.5 ईयर की वैल्यू 51 दी है, कितना दी है 51 दी है। अब यहाँ से 1 ईयर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 बटे में 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे दशमलव है, अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाता है, 0 यानी 0 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब ये आ गया 15, ये आ गया 510। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 5 से काटिए, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 से इसको काट दीजिए तो 5 × 5 हो जाएगा, ये इसको 1 है तो इसको भी साथ में लेंगे, 0 को भी साथ में लेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करिए, 3 से इसको डिवाइड करिए तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 1 आएगा ये हो जाएगा 12, 3 × 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 × 12 यानी 1 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको
34 दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, दो को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 34 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 34 दूना क्या होता है, 68 होता है। कितना होता है, 68 होता है, यही होता है ना, देख लीजिए एक बार, हाँ यही होता है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए ये अमाउंट है, इंटरेस्ट है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल निकालते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन इससे पहले जो किया था। तो देखिए 918 में से कितना माइनस करेंगे, यहाँ पे 668 माइनस कर देंगे, 68 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो देखिएगा ये जीरो हो जाएगा। 11 में से यहाँ पे एक है तो यहाँ हो जाएगा एक, यहाँ से कैरी लेगा तो हो जाएगा 11, 11 में से आपका 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 8 यहाँ पे लिख लेंगे, यानी आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 850 रुपये, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट आपका यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद वर्ष टाइम यहाँ पे 2 वर्ष है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो पहले का सबसे पहले जो सूत्र पढ़ा था, जो फार्मूला पढ़ा था, उसी पे सभी की वैल्यू रख देंगे तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, देखिएगा आर बराबर आपका होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और बटे में क्या होता है, पी मल्टीप्लाई टी, यानी प्रिंसिपल मूलधन और टी यानी टाइम यानी समय, ठीक है। ये आपको इंटरेस्ट है यानी क्या है, ब्याज है। तो चलिए आप सभी का वैल्यू रखेंगे, तो अब देखिए इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 68, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई है। अब बटे में क्या करेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 850 रुपये, कितना है 850 रुपये आपका प्रिंसिपल है। उसके बाद टाइम आपका यहाँ से पहला टाइम लेंगे, तो पहला टाइम क्या है 2 ईयर्स है। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा जीरो से जीरो कट जाएगा, 17 × 5 = 85 होता है और 17 × 4 = 68 होता है, क्या होता है 17 × 4 = 68। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, अब 5 से काटिए, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, अब 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपका रेट आ जाएगा कितना, 4%, आपका रेट आ जाएगा 4%, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखिए वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। आज जितने भी टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 वर्षों से संबंधित, उसको हम आज पूरा कंप्लीट बता देंगे, ताकि आपको फिर दोबारा कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की कर रहे हो, चाहे आप बैंक की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, चाहे UPSI, चाहे SSC GD देने वाले हो, सभी के लिए है। देखिएगा फ्रेंड अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में यही कहा है कि एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये तथा सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये समान दर पर देता है, यानी दोनों की दर क्या है, समान है, यह आपको क्लियर है। उसके बाद दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा दोनों में कुल 5,400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी यही बताइए, यानी ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी यही बताइए। तो चलिए हम सभी की वैल्यू लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे बी, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सी की वैल्यू, ठीक है। एक व्यक्ति है, कौन है, एक पर्सन है, ठीक है। बी को देता है 3 वर्षों के लिए 10,000, कितना देता है, 3 ईयर के लिए 10,000 देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी को कितना देता है, 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये, 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये देता है 4 वर्षों के लिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड सिंपली क्या करेंगे, दोनों में दर सेम है, दोनों में क्या है, दर सेम है, यानी इसमें हम क्या कर देंगे, दर का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, दर का मल्टीप्लाई, क्योंकि दर दोनों में सेम है,
तो अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करिए, ठीक। उसके बाद ब्याज आपका दिया है, अब इसका यहाँ पे काउंट करेंगे, सभी को क्या करेंगे यहाँ पे काउंट कर देते हैं। उसके बाद ब्याज आपका दिया है टोटल, टोटल वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे कितना, 5400, यही दिया है ना। तो अब देखिए अब आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया, जो हमारा पहले का सूत्र था, क्या था, यहाँ पे देखिएगा, इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे में 100। तो आपको देखिए इसी फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्योंकि दोनों को काउंट करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या दी है, ब्याज आपका टोटल वैल्यू दिया है 5400, यही दिया है ना। तो देखिएगा अब यहाँ पे पी की वैल्यू यहाँ पे 10000 है, ये 10000 है, सॉरी ये 10000 है, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू सेम है, यहाँ आर परसेंटेज है। उसके बाद टी की वैल्यू क्या है, 3 वर्ष है, तो बटे में 100 हो जाएगा, और इसके भी क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको हम मिटका लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिएगा एक बार समझ जाइएगा, 100% समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ भी उसी सेम करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। अब यहाँ पे 3 ईयर है ना, अब 3 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 आर हो जाएगा, प्लस 6 का 60 में मल्टीप्लाई, सॉरी 4 का 60 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 24 यानी 240 आर आ गया। और सबकी बराबर वैल्यू कितने दी है यहाँ पे देखिएगा, 5400, यही दिया है ना, 5400 दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब दोनों को ये काउंट करेंगे क्योंकि आर भी यहाँ भी है आर यहाँ भी है, तो दोनों को अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा 540 आ जाता है, कितना आ जाएगा, 540 आर आ जाएगा, बराबर 5400 यही दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 54 से 54 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 10% जो हमें पूछा है, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, यही हमसे पूछा है, यानी ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर क्या होगी, 10%। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, तो देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगले वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे, वो कल का भी वीडियो देखना मत भूलिएगा इसी समय, ठीक है, यानी शाम 9 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कितने लोग को यूपी कांस्टेबल की सिलेबस चाहिए, चाहिए तो मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो तो मेरी टेंशन है, ठीक है, क्योंकि अभी उसका 25,000 वैकेंसी आने वाली है, कितना, 25,000 बच्चा, तो पढ़िए, 100% है किसी न किसी में आपका, अगर हाइट है तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि UPSI का भी है, UPGD का भी है, SSC GD का भी है, और ये आपका नया वैकेंसी आ रहा है यूपी कांस्टेबल का। अगला क्वेश्चन, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है, ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3% है। पहले देखिएगा जैसे कहेगा वैसे हम लिखते चलेंगे, कौन है, रोहन है, ये रोहन भैया उधार लेता है, पहले 3 वर्षों के लिए, ठीक है, कितना, 3%। उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए 4%, अगले 5 वर्षों के लिए 4%, ठीक है, अगले 7 वर्षों के लिए 6% उधार लेता है, 7 वर्षों के लिए कितना लेता है, 6% उधार लेता है। उसके बाद इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जा रही है, देखिएगा उधार ले अब ब्याज कितनी हो जा रही है, ब्याज आपको चुकाता है 2069, ठीक है, 59 है, इसको 59 मानिएगा, सही से रुको लिख देते हैं 59, ठीक है। पहले क्या लेता है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, ठीक है, तीन राशि लेता है। अब देखिए इसमें तीनों राशियाँ क्या है, सेम है, ठीक है, आपको क्लियर हो गया ना कि तीनों राशियाँ सेम है। पहले राशि को 3 वर्ष के लिए 3%,
दूसरे राशि को 5 वर्ष के लिए 4%, तीसरे राशि को 7 वर्ष के लिए 6% लगता है, और टोटल वो ब्याज कितना देता है 2059 यानी 1,59। तो चलिए, और उसके बाद पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि उधार ली गई राशि क्या है, यानी उधार ली गई राशि क्या है इसी को हमें बताना है। तो देखिएगा, हमने आपको पहले में एक कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए हमने आपको ये समझाया था ना कि ये जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई होगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था क्या कि SI बराबर PRT बटे में 100, यही पढ़ा था, तो उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए, आपको टाइम दिया है और रेट दिया है, यानी R की वैल्यू दिया है, यहाँ पे T की वैल्यू, R की वैल्यू, और P क्या है, सभी में सेम है, यानी P यहाँ पे डायरेक्ट P लिख देंगे, उसके बाद बटे में 100 हो जाएगा, तो ये हमारा SI का हो जाएगा। और उसके बाद इसमें प्लस करेंगे, फिर यहाँ इसमें भी P सेम है, और यहाँ पे टाइम भी दिया है और रेट भी दिया है, तो इसका भी ये हमारा SI परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार करेंगे, इसमें भी P का मल्टीप्लाई और बटे में 100 कर देंगे, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। अब सिंपली इसको टोटल सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा, 3 × 9 यहाँ पे आपका 9P हो जाएगा बटे में 100। ठीक है, आगे देखिएगा, प्लस यहाँ पे 5 × 20 तो कितना आ गया 20P बटे में हो जाएगा आपका 100, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 7 × 42 42P बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर टोटल वैल्यू कितना दिया है ब्याज, उसको वो चुकाता है 2059 रुपया, यही चुकाता है। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा 20 और यहाँ 42 है तो 62 हो जाएगा, और 62 × 9 कितना हो जाएगा 71P हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 2059। ठीक है, अब देखिए अगर हम 71 से इसको डिवाइड करते हैं, तो पहले देखिए 71 × 2 क्या होता है, इसको पहले दो बार काटते हैं, तो 71 × 2 यहाँ से देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14 यानी 142 होता है, तो 205 में से 142 को माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 3। उसके बाद देखिएगा 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, यानी अब इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बच रहा है तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए, यानी अब हमको 71 का मल्टीप्लाई इसमें कराना पड़ेगा, तो 71 का अगर हम 9 बार करते हैं मल्टीप्लाई, तो 71 × 9 = 639 हो जाता है। ठीक है, तो यानी अब क्या आ गया वैल्यू देखिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पी की वैल्यू, पी बटे में 100 आ जाएगा, 29 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 29 आ गया। अब देखिए अगर पी की वैल्यू केवल चाहिए तो हो जाएगा हमारा 2900, कितना हो जाएगा 2900, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मूलधन आपका राशि आपकी आ जाएगी 2900। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, हमने बहुत ही अच्छे से समझाया, आई होप ये सेशन आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो कल के भी वीडियो में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब कल के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।